मध्य प्रदेश में नौतपा के सातवें दिन आज शुक्रवार को सूरज के तेवर कुछ कम हुए। हालांकि कुछ जिलों में तपिश बरकरार है, लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। जिन्हें जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ रहा है वो गमछे, छाते, ठंडे पानी और जूस का सहारा ले रहे हैं। उज्जैन में नगर निगम ने वाटर स्प्रिंकलर मशीन भी लगवाई है, तो छिंदवाड़ा में बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए कूलर लगा रखे हैं। इससे पहले गुरुवार को भीषण गर्मी रही और लू चली। सीधी में टेम्परेचर रिकॉर्ड 48.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं खजुराहो में 47 डिग्री और निवाड़ी के पृथ्वीपुर में पारा 46.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले पृथ्वीपुर लगातार 3 दिन तक प्रदेश में सबसे गर्म रहा। देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक अधिकतम तापमान जो है सीधी में दर्ज किया गया 48.2 डिग्री सेल्सियस तथा खजुराहो में 47.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ये दोनों जिले ऐसे हैं कि जहां पे जो है तीव्र लू रिकॉर्ड की गई है तथा 10 जिले और हैं जहां पे जो है हीट वेव कंडीशंस दर्ज की गई पिछले 24 घंटे में और 3 जगह पे वार्म नाइट्स दर्ज की गई है। अभी जैसे आने वाले 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि ऊपर पश्चिमी विक्षोभ एज ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन जम्मू की तरफ बना हुआ है, उसके साथ ही जो है उत्तर प्रदेश में एक ऊपरी हवा का चक्रवात है, वहां पे उस पर्टिकुलर ऊपरी हवा के चक्रवात से जो है एक ट्रफ लाइन बनी हुई है जो कि बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल से होती है सिक्किम की तरफ जा रही है। तो इन सब के चलते जो है अभी पूर्वानुमान जो हमारा हमारे मौसम केंद्र भोपाल ने जारी किया है कि ग्वालियर चंबल संभाग के कुछ जिले है जहां पे हल्की वर्षा मीन्स देखी जा सकती है आने वाले 24 घंटे में और अनूपपुर डिंडोरी में जो है आइसोलेटेड फॉर्मेट में रेनफॉल मीन्स देखा जा सकता है। तो और बाकी जो जिले है प्रमुख जो बात है कि उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी जिले जो है वहां पे जो है मीन्स लू का असर बना रहेगा और बाकी उत्तर पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी जो जिले हैं और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश जो है वहां पे जो है तापमानों में हल्की कमी देखी जा सकती है, 1-2 डिग्री तापमान जो है वो कम हो सकते हैं। तो अभी थोड़ी मीन्स दक्षिणी भाग जो है मध्य प्रदेश का वहां पे लोगों को थोड़ी मीन्स लू से जो है राहत होने की संभावना है।